अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। माननीय इतनी भीड़ लेकर के आया था उस दिन ही हुआ, आज सबको छुट्टी दे दी है माननीय, क्योंकि हमारा AIMIM जो प्रत्याशी है शोषित समाज की लड़ाई लड़ने वाला मशकूर आलम से देते हैं। भाजपा की बी टीम है, कितना सही है? भाजपा की बी टीम बोलेगी नहीं जनाब, एकदम बोलेगी। दलित भाई, आदिवासी भाई, मुस्लिम भाई का वोट का जो है समर्थन हमारे को मिल रहा है। ये जो छलावा करते आए हैं कि जी मैं सेकुलर हूँ, काहे का सेकुलर, किस चीज का सेकुलर? अरे भैया सेकुलर विकुलर छोड़ो, विकास की बात करो। अब इन देख रहे हैं कि हमारे वोट बैंक खिसकते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे आदिवासी भाई, कहाँ जाएंगे दलित भाई, कहाँ जाएंगे मुसलमान भाई? सबको विकास चाहिए। हम बी टीम नहीं है जनाब, हम सर्वप्रथम टीम है जो बात करते हैं संविधान बचाने की। हम संविधान रक्षक है। अगर संविधान की रक्षा करने वाला, अगर गरीब भाइयों की आवाज उठाने वाला, शोषित समाज की आवाज उठाने वाला, अगर ये राजनीतिक पार्टियां बी टीम बोलती है, शर्म आनी चाहिए कि इसके पहले आपने जीत करके हमारी आवाज कहा था। महिला सशक्तिकरण पर आपकी पार्टी का क्या राय है? महिला सशक्तिकरण पर हमारी जो शुरू से विचारधारा रही है, हमारी जितनी भी माँ बहने हैं उनको जो भी मूलभूत जो उनकी जो अधिकार है, उनके अधिकार हमारे माध्यम से दिया जाए, उनको इज्जत बख्शा जाए, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो प्रताड़न करना बंद करे, ये हमारी आवाज है। अब आई चुनाव की बात। चुनाव में अगर आप बात करें आरक्षण की, तो अभी तो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलेक्शन लड़ा है। आप सभी बोकारो वासियों की दुआ से हमारी टीम मजबूत होगी, बेशक हम महिलाओं को, हम अपनी माँ बहनों को फ्रंट लाइन पे आगे खड़ा करेंगे कि वही दुर्गा हो, आप दुर्गा वाहिनी बनकर जाओ, हम मर्दों के साथ अपना ताकत मिला करके चलो, क्योंकि वोट देने वाले मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। मेरे नजर में सिर्फ दो जातियां हैं, एक औरत एक पुरुष। महिला